हेलो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। नाम है ब्लू प्रिंट डिजिटल। मेरा नाम है वसीम चौहान, मैं हूँ आपका विज्ञान का टीचर। और बेटा, क्लास 10th का साइंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और साइंस में आज हमें रसायन विज्ञान का सेकेंड चैप्टर प्रारंभ करना है। और जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। बेटा, आज ये भाग वन है। भाग वन में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक रहेगा अम्ल, के अम्ल क्या होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। और जो सेकंड टॉपिक रहेगा बेटा, उसको बोलते हैं क्षारक। हम देखेंगे क्षारक क्या होते हैं, क्षारक को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और थर्ड टॉपिक आज का रहेगा सूचक। सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर इंग्लिश में। और लास्ट टॉपिक जो आज का रहेगा, हम वो देखेंगे कि अम्ल और क्षारक जो होते हैं उनकी जो रासायनिक गुण है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होता है। तो आपको अपना रजिस्टर और पेन साथ में लेके बैठना है। तो आइए शुरू करते हैं बेटा भाग वन। तो बेटा, भाग वन में जो टॉपिक पहला है वो है हमारा अम्ल। अम्ल क्या होता है? देखो, आपने अम्ल के बारे में सुना होगा जरूर, और आपने कुछ बातें पहले पढ़ी होंगी। आपने पढ़ा होगा कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। इस तरह की बातें आपने 8th क्लास में या कुछ पहली कक्षाओं में पढ़ी हैं। लेकिन क्योंकि हम 10th क्लास का साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना है। तो कोई पूछे आपसे कि अम्ल क्या होते हैं, तो आप कहोगे कि अम्ल यौगिक होते हैं, अम्ल हमारे कंपाउंड होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं कि अगर उन यौगिक को हम किसी जलीय विलयन में घोलेंगे, जलीय विलयन में घोलेंगे, तो वो हमें एक प्रकार के आयन देंगे। और वो आयन हमारे कैसे होते हैं? H+ आयन होते हैं। सपोज करो एक्स एक हमारा यौगिक है, और एक्स को हमने किसमें घोला है? जलीय विलयन में घोल दिया है। जलीय विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जलीय विलयन का मतलब क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसका विलायक जल है, ठीक है। एक कोई भी विलयन है जिसका विलायक क्या है? जल। तो अगर मैं इस एक्स को जलीय विलयन में घोलूंगा, और अगर ये घुलने पर क्या दे रहा है? एक प्रकार के आयन दे रहा है। वो आयन कैसे है बेटा? H+ आयन है, H+ आयन है। तो मैं इस कंपाउंड को, इस यौगिक को क्या कहूंगा कि ये मेरा क्या है बेटा? अम्ल है। अब लेकिन एक राज की बात है। राज की बात क्या है कि ये जो एक्स को जलीय विलयन में घोलने पर आपको H+ आयन मिले हैं, है ना, तो ये जो बेटा आयन होते हैं ये हमारे अस्थिर होते हैं। अस्थिर का मतलब होता है कि ये हमारा अनस्टेबल होते हैं। इस रूप में ये बहुत लंबे समय तक रह नहीं सकते हैं। मतलब होता क्या है कि जैसे ही H+ आयन बना, और ये कहाँ पर बना था? जलीय विलयन में। जलीय विलयन में जल वहां पर मतलब उपस्थित है, तो ये क्या होगा? H+ आयन जल के अणु के साथ बेटा अभिक्रिया कर जाएगा और एक दूसरा आयन बनाएगा जिसको बोलते हैं H3O+। इसका नाम होता है बेटा हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन बना है, हाइड्रोनियम आयन बना है, ये स्थिर होता है। ये क्या होता है बेटा? स्थिर होता है। मतलब आपको समझना क्या है कि जैसे ही H+ आयन दिया इस यौगिक ने, तो ये बन तो जाएगा, लेकिन तभी के तभी या कुछ टाइम बाद ये क्या करने वाला है? जल के अणु के साथ मिलकर एक दूसरे आयन में परिवर्तित हो जाएगा, और जिसका नाम होगा हाइड्रोनियम आयन। यानी अम्ल की जो परिभाषा, जो वास्तव में परिभाषा है, वो ये है कि अम्ल क्या होते हैं? ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं, H3O+ आयन दे रहे हैं। तो बेटा, ये था हमारा अम्ल की परिभाषा, जो बिल्कुल क्या है, 100% ट्रू है। अगर कोई ये कह रहा है कि H+ आयन दे रहे हैं, तो सही वो भी है, लेकिन वो कम्प्लीटली हम उसको सही मान नहीं सकते, क्योंकि H+ आयन अस्थिर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। बेटा, अब हमें देखना है कि अम्ल के बारे में और क्या क्या होता है। जैसे कि अम्ल के बारे में मैंने बताया था कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, है ना। एक दूसरी बात और है कि अम्ल जो है, आपने पढ़ा होगा कि लिटमस पेपर के बारे में, है ना। लिटमस पेपर ये बताता है कि कोई चीज हमारा या कोई यौगिक हमारा या कोई विलयन हमारा वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो अगर आपके पास लिटमस पेपर है, तो लिटमस पेपर अगर वो हमारा बेटा कैसे कलर का है? नीले कलर का है। तो अगर उसके ऊपर इस यौगिक को डालोगे, और उस यौगिक ने उस लिटमस पेपर को जो नीले रंग का था उसको लाल रंग में परिवर्तित कर दिया है, तो समझ जाना वो यौगिक हमारा क्या होता है बेटा? वो अम्ल है। मतलब मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि ये अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को बेटा क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। तो तीन बातें मैंने आपको बेटा किसके बारे में बताई है? अम्ल के बारे में बताई। अम्ल ऐसे यौगिक होंगे कि अगर इनका मैं बोलूं भौतिक गुण क्या है या इनका स्वाद कैसा होता है, तो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर खट्टी चीज हमारा अम्ल होगी, बस मैं बता रहा हूँ कि अम्लों के गुण क्या होते हैं एक तरह से। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई है कि अम्ल हमारे ऐसे यौगिक होंगे कि जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में बेटा आपको क्या देने वाले हैं? जलीय विलयन में आपको देने वाले हैं, पहले देंगे H+ आयन, और ये H+ आयन कुछ टाइम बाद जल के साथ मिलकर H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाएगा। और तीसरी बात बेटा मैंने आपको जो बताई है वो ये है कि अम्ल
जो हमारा नीला लिटमस पेपर होगा, क्या होगा बेटा? नीला लिटमस पेपर होगा, तो नीले लिटमस पेपर को ये हमारा बेटा लाल रंग में परिवर्तित कर देंगे। ये तीनों बातें आपको भूलनी नहीं है। लिटमस पेपर क्या है ये मैं बताऊंगा आपको जब मैं सूचक पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा? तो ये बेसिक बातें हमने किसके बारे में की है? अम्ल के बारे में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल बेटा देखो, जैसे कि आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैंने आपको जीव विज्ञान में जब मैं जैव प्रक्रम टॉपिक पढ़ा रहा था उसमें जब पोषण पढ़ रहे थे और पोषण में हम पाचन पढ़ रहे थे, तो पाचन में इसका जिक्र आया था कि पेट में एक अम्ल बनता है, मिलता है, नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये अपने आप में अम्ल है। एक दूसरा आपने पढ़ा होगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको बेटा। एक पढ़ा होगा आपने HNO3, इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। तो बहुत सारे होते हैं। एक होता है CH3COOH, इसका मतलब होता है बेटा एसिटिक एसिड, है ना? और भी बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये बेटा हो जाएंगे इसके उदाहरण। अभी देखो दो टर्म आपको अम्ल के बारे में और सीखने हैं बेटा। वो टर्म क्या है? कभी कभी दो वर्ड आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे अम्ल में। एक अम्ल होता है सांद्र और एक होता है बेटा तनु। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक तो क्या होगा बेटा, सांद्र अम्ल होगा, सांद्र अम्ल होगा, और दूसरा कैसा होता है, तनु अम्ल होता है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है डाइल्यूटेड। मतलब समझो क्या होता है कि सांद्र अम्ल का मतलब है कि अम्ल को आपने किसमें डाला था, ये सपोज करो बेटा एक हमारा क्या है, जल है, और ऊपर से आप इसमें क्या डाल रहे हो, अम्ल डाल रहे हो, ठीक है? तो एक ऐसा विलयन आपको मिल गया है जिसमें अम्ल प्लस जल है। इसमें क्या है, अम्ल प्लस जल। तो अगर उस विलयन में जल की मात्रा बेटा क्या है, बहुत कम है। जल की मात्रा क्या है, बहुत कम। जल की मात्रा कम है तो उसका मतलब अम्ल की मात्रा ज्यादा है। तो ऐसा अम्ल या ऐसा विलयन जिसमें क्या होगा बेटा, अम्ल की मात्रा अधिक होगी, जल की मात्रा कम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल बेटा इसका जस्ट उल्टा होगा। तनु अम्ल में क्या होने वाला है कि जो अम्ल है, अम्ल की मात्रा बेटा कम है, और जो हमारा जल है, जल की मात्रा हमारा क्या है, अधिक है, है ना? तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी ये। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा आता है कि आपके पास एक तनु अम्ल है, तनु अम्ल को आप क्या करना चाह रहे हो, एक तरह से सांद्र अम्ल में परिवर्तित करना चाह रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो तनु अम्ल में जो जल है वो ज्यादा था, अगर जल की मात्रा में कम कर दूंगा किसी भी तरीके से, तो जो तनु अम्ल था वो क्या बन जाएगा, फिर वो हमारा सांद्र अम्ल बन जाएगा। तो बेटा ये हमने अभी बिल्कुल बेसिक बातें की हैं अम्ल के बारे में। अभी मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ क्षारक के बारे में होंगी। तो हेडिंग लिखिए क्षारक। बेटा क्षारक क्या होते हैं? देखो क्षारक में हमारे एक तरह के यौगिक हैं, कंपाउंड है, और ऐसे यौगिक सपोज करो वाई हमारा कोई यौगिक है, और हमने इसको क्या किया है, इसको भी बेटा हमने जलीय विलयन में घोला है, है ना? जलीय विलयन के बारे में मैंने बताया, ऐसा विलयन जिसका विलायक जल है उसको क्या बोलते हैं, जलीय विलयन। तो Y को अगर आप जलीय विलयन में घोलोगे, अगर आपको ये क्या दे रहा है, OH नेगेटिव आयन, OH ऋणात्मक आयन, जैसे अम्ल ने दिए थे H प्लस आयन, ये क्या देगा, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी आयन कहते हैं। तो बेटा ये यौगिक जो Y होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, ये हमारा बेटा क्या कहलाता है, क्षारक कहलाएगा, ठीक है? एक दूसरी बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो बेटा हमारे क्षारक होते हैं, ये स्वाद में बेटा कैसे होते हैं, ये स्वाद में हमारे बेटा कड़वे होते हैं, है ना? ये कैसे होते हैं, कड़वे, बिटर होते हैं टेस्ट में। जैसे कि अम्ल हमारे खट्टे होते हैं, अगर हम इनको खाएंगे या मतलब को टेस्ट करेंगे तो ये थोड़े कड़वे कड़वे से लगते हैं। और तीसरी बात बेटा जो होगी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास नीला, मतलब नीला नहीं, आप समझो कि आपके पास लाल लिटमस पेपर है, आपके पास क्या है, लाल लिटमस पेपर है, तो लाल लिटमस पेपर बेटा अगर आपके पास है, उस पर अगर आप कोई क्षारक डाल रहे हो, है ना, क्षारक या क्षारक मतलब आप समझो कि लिटमस पेपर पर आपने क्षारक डाल दिया है, अब होगा क्या कि ये लाल जो है इसका कलर बेटा चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो मतलब मैं क्षारक को ऐसे भी परिभाषित कर सकता हूँ कि क्षारक ऐसे यौगिक होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये बिल्कुल आपको बेसिक बातें बेटा मैं बता रहा हूँ क्षारक के बारे में। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है, जो सुपर इंपोर्टेंट वर्ड है बेटा, एक होता है हमारा क्षारक और एक होता है क्षार, तो इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है। अभी हम देखते हैं क्षार क्या होता है। बेटा क्षार को हम बोलते हैं इंग्लिश में अल्कली। देखो क्षार क्या होता है, जो हमने पढ़ा क्षारक, कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में हमारा घुल जाते हैं, तो ऐसे क्षारक जो जल में बेटा क्या है, जल में घुलनशील है,
जल में घुलनशील क्षारक को बेटा मैं क्या नाम दूंगा, उसी को मैं कहता हूं बेटा क्या, क्षार कहता हूं। मतलब सारे के सारे क्षारक, ऐसा नहीं है कि जल में सभी क्षारक घुल जाते हैं, कुछ कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, तो उन्हीं क्षारक को मैं बेटा एक नाम देता हूँ क्षार। एग्जाम्पल देख लो इसका, कि उदाहरण के रूप तौर पे अगर मैं बात करूंगा तो एक हमारे पास होता है NaOH, नाम होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक भी है, और क्योंकि ये जल में घुल जाता है इसलिए इसको हम क्षार भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और उदाहरण आपको इसके भी ध्यान देने, मतलब इसके क्षारक के, जो क्षारक के उदाहरण है, एक तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना बेटा, एक हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना बेटा, एक हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एक हो जाएगा बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ उदाहरण है, बिना उदाहरण के जो है बात को इनकम्प्लीट माना जाता है, तो आपको बिल्कुल उदाहरण के नाम भी याद करते जाना है, ठीक है बेटा। तो ये हमने बेसिक बेसिक बातें की हैं, पहले हमने देखा कि अम्ल क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि क्षारक क्या होता है, ठीक है। यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने अम्ल में बताया था कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल होते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी हो सकता है कि सांद्र क्षारक और तनु क्षारक, सेम बात हो जाएगी कि हमारा सांद्र क्षारक क्या होगा, कि जिसमें क्षारक की मात्रा ज्यादा है और जो हमारा उसमें जल है उसकी मात्रा क्या है बेटा, कम है, और तनु में क्या हो जाएगा, जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अब हमें जो तीसरा टॉपिक कवर करना है बेटा, उसको हम बोलते हैं सूचक। सूचक का मतलब होता है इंग्लिश में इंडिकेटर। तो आइए पढ़ते हैं सूचक के बारे में। बेटा सूचक क्या होते हैं? सूचक हमारे ऐसे पदार्थ होंगे जो किसी विलयन को बताएंगे कि ये विलयन जो है ये हमारा अम्लीय है या क्षारीय है, मतलब नाम में इसका सूचक है, मतलब हमें सूचना देंगे विलयनों के बारे में। जो हमारे पास बहुत सारे पदार्थ हैं, अब हमें पता नहीं है इस पदार्थ की प्रकृति या नेचर वो अम्लीय है या क्षारीय है, तो इनकी मदद से, इनकी सहायता से हम बता सकते हैं किसी भी विलयन को, किसी भी यौगिक को, कि ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ठीक है। तो ये हमारे बेटा क्या होंगे, ऐसे पदार्थ होंगे जो विलयन वगैरह होते हैं, जो विलयन होंगे, विलयन की जो बेटा अम्लीय प्रकृति है, अम्लीय या उनकी कैसी प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति है, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बताते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है सूचक के बारे में। अब सूचक के प्रकार देखो कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो बेटा तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होगा सूचक का, उसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक मतलब समझ जाना कि ऐसे सूचक जो नेचर में मिल रहे हैं, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि प्राकृतिक सूचक वो होंगे जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। बेटा दूसरे प्रकार के सूचक जो होंगे वो ऐसे होंगे जो लैब में बनाए जा रहे हैं, जो प्रयोगशाला में बनाए जा रहे हैं, इसलिए उनको क्या नाम देते हैं हम, उनको बेटा हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर या कृत्रिम सूचक भी कहते हैं। और तीसरे जो बेटा होंगे वो हमारे कैसे होते हैं, गंधीय सूचक हैं। गंध का मतलब होता है स्मेल, मतलब कि अगर अम्लीय क्षार को डालने पर उनकी गंध में हमारा क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, उनकी गंध बदल रही है, मतलब अपनी गंध से बताएंगे कि कोई विलयन हमारा अम्लीय है या क्षारीय है। तो तीसरे प्रकार के कौन से होते हैं, गंधीय सूचक होते हैं। तो हमें हर एक के बारे में पढ़ना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बेटा जरूर आता है, ठीक है। तो आप हेडिंग लिखिए पहले, किसके बारे में बात करेंगे हम, प्राकृतिक सूचक के बारे में बात करें। प्राकृतिक सूचक वो होंगे जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले सूचक। तो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले सूचक, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो प्रकृति में मिल रहे हैं हमें, ठीक है। देखो पहला जो आप इसमें पढ़ेंगे हम, अभी जैसे मैंने बताया था लिटमस के बारे में सुना था हमने ना, लिटमस जो होता है, तो लिटमस पेपर हम पढ़ते हैं, लेकिन लिटमस क्या है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा एक वर्ड के बारे में बेटा, आपने दो चीज पढ़ी होंगी, एक का नाम आपने पढ़ा होगा अलगी, अलगी, और एक का नाम आपने पढ़ा होगा फंजाय। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात समझो कि लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एक वर्ड आप पढ़ो लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है, लाइकेन से प्राप्त होगा, लाइकेन से प्राप्त होगा। और ये जो है एक्चुअली में लिटमस जो होता है वो एक तरह का रंग होता है, एक तरह की डाई होती है, ये कहाँ से प्राप्त होती है, ये लाइकेन से प्राप्त होती है। और ये लाइकेन क्या है, ये लाइकेन बेटा दो चीजों के कॉम्बिनेशन को या दो चीजों के समूह को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन कहते हैं। इसमें बेटा एक तो हमारा क्या आता है, कवक आता है ना, एक तो इसमें बेटा क्या आता है, कवक आता है, और दूसरा बेटा इसमें क्या आता है, शैवाल आता है। तो शैवाल और कवक के, कवक का जो ग्रुप है आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, डायवर्सिटी बायोलॉजी में चैप्टर था कि कवक और शैवाल ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इन दोनों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन कहते हैं। ये दोनों साथ रहते हैं, दोनों का फायदा होता है। शैवाल जो है ये शैवाल अल्गी कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाता है, और ये जो है ये क्या करता है, इसको कच्चा माल देता है, रॉ मटेरियल या जो हमारे लवण होते हैं उनकी प्राप्ति ये कराता है। तो दोनों का फायदा होता है इसमें, दोनों साथ में रहते हैं। तो कवक और शैवाल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंजाई, और बेटा इसको बोलते हैं अल्गी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलता हूँ, लाइकेन कहता हूँ। इसी लाइकेन से हमें ये रंग या डाई प्राप्त होती है,
उसको मैं क्या बोलता हूँ, लिटमस, उसको पेपर पर एक तरह से लगा दिया जाता है या उसकी मदद से एक पेपर बना दिया जाता है, उसी को बोलते हैं लिटमस पेपर। तो ये तो था हमारा किसके बारे में, लिटमस के बारे में। ठीक है बेटा, अब हमें देखना कि लिटमस जो है वो अम्ल और क्षारक के साथ किस तरीके से मतलब हमें बताएगा कि कौन सा यौगिक अम्ल है, कौन सा यौगिक हमारा क्षारक है। तो लिटमस पेपर जो बेटा आपके पास आया है, तो अब बात समझो, एक आपके पास अम्ल है और दूसरा आपके पास क्या है बेटा, क्षारक है। अब लिटमस पेपर अगर आपके पास कैसा है बेटा, नीले रंग का है। ठीक है, नीले रंग का इसका अगर पेपर आपके पास है, तो अगर उस पर आप बेटा क्या डालोगे, अम्ल डालोगे, तो वो नीला जो है क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन अगर उस नीले रंग पर आपने क्या डाला है, क्षारक डाला है, तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो नीला ही रहेगा। ठीक है, और लेकिन अगर आपके पास कैसा पेपर है, लाल रंग का है, लाल रंग का लिटमस पेपर आप लेकर आए हो, अम्ल उसमें डाला है, तो वो लाल ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे उस पर आप लाल रंग के पेपर पर क्षारक डालोगे, तो बेटा वो कैसा कर देगा, उसको नीला कर देगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हालांकि आप आठवीं क्लास में ये सब बातें पढ़ चुके होंगे थोड़ी थोड़ी, है ना बेटा। प्राकृतिक सूचक हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है हल्दी। हल्दी, अब हल्दी का देखो, आपको पता है कि उसका जो प्राकृतिक रंग होता है, उसका नेचुरल कलर पीला होता है। ठीक है, अब आपके पास एक तो अम्ल है, ठीक है, और दूसरा आपके पास भी क्या बेटा, क्षारक है। अब बात समझना प्लीज, हल्दी का खुद का कलर कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, अब हल्दी पर अगर आप अम्ल डालोगे, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा पीली ही रहेगी, उसका रंग पीला ही रहेगा। लेकिन जैसे उसके आप ऊपर क्षारक डालोगे, तो बेटा वो हमारा गुलाबी रंग या थोड़ा थोड़ा सा कैसा हो जाएगा बेटा, एक लाल सा रंग हो जाता है। यानी ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि हल्दी जो है वो अम्ल के साथ अपना रंग परिवर्तित नहीं करती है, वो पीली है तो पीली रहती है। लेकिन अगर उसके आप कोई क्षारक डाल दोगे, तो वो हल्दी का रंग जो पीला था, वो गुलाबी या लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर मतलब शादी वगैरह जब होती है, तो जब हल्दी लगाने की रस्म होती है, तो कपड़े उसमें पीले हो जाते हैं। तो जब उन पीले कपड़ों को धुला जाता है घरों में, अब धुलने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो जो साबुन होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। साबुन में क्षार होता है, उसका नाम होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना बेटा, ये ध्यान रखना आप। तो जैसे ही आप वहां पर रब करोगे साबुन को, तो अब साबुन के अंदर क्षार है और वो हल्दी कपड़ों पर लगी है, तो वो जो कपड़ों का कलर यानी कि पानी का कलर जो हो जाएगा, वो लाल लाल रंग का हो जाता है। मेरी बात समझ गए? तो यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि साबुन के अंदर क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है बेटा, तो सेकंड प्रकार का मैं आपको सूचक पढ़ा रहा हूँ, और मैं इनके बारे में बता चुका आपको, लेकिन फिर हमें ठीक से पढ़ना है। तो ऐसे सूचक जो लैब में बनाए जाएंगे, प्रयोगशाला में बनाए जाएंगे, उनको कृत्रिम सूचक कहते हैं। ये कुछ रासायनिक पदार्थों की मदद से बनाए जाते हैं। बेटा आपको कम से कम दो सूचक इसमें याद रखने हैं, जो एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सूचक जो यहाँ पे होगा बेटा, उसको हम फिनोफ्थलीन कहते हैं। ठीक है, ये नाम मैंने आपके लिखा है फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन के बारे में पढ़ना है हमें, नाम पहले तो आपको नाम याद रखना है, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या है, सूचक है जो बताएगा किसी भी यौगिक को या किसी विलयन को कि अम्लीय है या क्षारीय है। बेटा फिनोफ्थलीन का खुद का कलर जो होता है, वो कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है। फिनोफ्थलीन कैसा होता है बेटा, रंगहीन होता है, इसका खुद का कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, अब समझो आपके पास अम्ल है, ठीक है, और एक बेटा आपके पास क्या है, क्षारक है। अब आपको इन दोनों को चेक करना है। तो जैसे आप फिनोफ्थलीन पर अम्ल डालोगे तो बेटा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, है ना, कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब ये हमारा समझ लो कि एक समान ही रहेगा, है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, रंगहीन था वो रंगहीन ही रहेगा। लेकिन जैसे आपने उस पर क्षारक डाला है, तो वो जो है बेटा, जो चीज रंगहीन थी, अब वो गुलाबी रंग की या थोड़ी लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो फिनोफ्थलीन जो है अम्ल के साथ कोई कलर मतलब परिवर्तित नहीं करता है, लेकिन क्षारक के साथ बेटा वो हमारा गुलाबी या लाल रंग देता है। इसके ऊपर मैं एक आपको एक मजेदार कहानी बताता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं, तो वहाँ पर जो अधिकारी हैं, वो कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो रिश्वत लेते हैं। ठीक है, अब सरकार को मतलब इस बात का सबूत उनको पकड़ना था, और सबूत के साथ पकड़ना कि हाँ इन लोगों ने रिश्वत ली है। तो होता क्या है कि सरकार की जो टीम आती है, तो वो खुद एक तरह से मतलब आम जनता के रूप में आते हैं और नोटों की गड्डी लेकर आते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, और उनको वो क्या करते हैं, वो नोटों की गड्डी दे देते हैं रिश्वत के रूप में। अब उस नोटों की गड्डी जो नोट होते हैं ना, उसके ऊपर फिनोफ्थलीन का पाउडर होता है। अब मैंने बताया था अभी आपको कि फिनोफ्थलीन का कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है, तो वो पहचान नहीं पाते कि इसके ऊपर कोई पाउडर लगा है। जैसे ही वो नोटों को गिनना शुरू करते हैं, तभी उनको वहां पे पकड़ लिया जाता है और उनके हाथों को मतलब उनको ले जाएंगे हाथ पकड़ के, और मतलब वॉश बेसिन में जाकर उनके हाथों पर एक डाला जाता है क्षार,
कोई भी क्षार जो मतलब हानिकारक ना हो ऐसा क्षार डालते हैं तो उनके हाथ जो है वो कैसे हो जाएंगे, लाल लाल रंग के हो जाएंगे और वो सबूत होता है कि तुमने रिश्वत ली थी। यहीं से कहावत आती है रंगे हाथों पकड़े जाना, इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट रेड हैंडेड, है ना बेटा। तो ये कुछ मजेदार बातें हैं जो साइंस ने मतलब हमें दी है ना बेटा। तो खैर अल्टीमेटली आपको ध्यान क्या रखना है कि जो फिनोक्सिलीन होगा वो रंगहीन होता है, अम्ल में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षार उसको गुलाबी या लाल रंग में परिवर्तित कर देगा। सेकंड चीज जो आपको मतलब सेकंड इंडिकेटर पढ़ रहे हैं हम, सूचक पढ़ रहे हैं, तो बेटा उसको बोलते हैं मैथिल ऑरेंज, इंग्लिश में बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। आपको ध्यान देना प्लीज, अच्छी अच्छी बात है सारी है। तो मिथाइल ऑरेंज या मैं क्या आपसे कह रहा हूँ मेथिल ऑरेंज, ठीक है। मेथिल ऑरेंज पे हमारा क्या होता है, एक तरह का सूचक होता है, बताएगा कि कोई चीज अम्ल है या क्षार है। आप देखो इसका खुद का कलर ऑरेंज ऑरेंज सा होगा कुछ, है ना, लेकिन आपको यहाँ मतलब ध्यान देना है कि अम्ल अगर है वहां पर, क्या है बेटा अम्ल, अम्ल डालोगे इस पर आप तो ये जो मिथाइल ऑरेंज था इसका कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाएगा बेटा, लाल रंग का हो जाएगा। और अगर मैं किसकी बात करूंगा, क्षार की बात करूंगा, तो क्षार इसको बेटा क्या कर देगा, पीले रंग में परिवर्तित कर देगा। तो ये सुपर इंपोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या रखना है कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो लाल रंग का कब हो जाएगा, जब उस पर हम क्या डालने वाले बेटा, अम्ल डालने वाले हैं। और मिथाइल ऑरेंज ही हमारा बेटा कैसा हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा, कब हो जाएगा कि जब उस पर हम कोई क्षार डालने वाले हैं। अब इसको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो याद करने का मैं एक निमोनिक्स बता रहा हूँ आपको, ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखो बेटा यहाँ आप याद रखोगे ए आर एम आर, आर मतलब ऐसे याद रखना है कि जो एसिड मतलब अम्ल होगा वो रेड, आर का मतलब रेड कर देगा, किसको रेड कर देगा बेटा, मिथाइल ऑरेंज को, है ना, ये बात समझे यहाँ तक। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर आपको याद रखना है बी वाई एम, बिम, बी का मतलब बेटा बेस होता है, बेस का मतलब क्या होता है, एक तरह से क्षारक, है ना। तो बेस जो है वो येलो कर देगा, वाई मतलब येलो कर देगा, किसको येलो कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को। तो ये आर और बिम के नाम से ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं अगर मतलब कभी मतलब याद करने में दिक्कत आए तो। तो बेटा हमने अभी दो प्रकार के सूचक पढ़े हैं, पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक सूचक, अब हमने पढ़ा है कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। गंधे सूचक क्या होता है, देखो गंधीय सूचक मतलब इंग्लिश में कहते हैं उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी का मतलब एक तरह से गंध होता है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब समझना क्या है कि इसमें कौन कौन से हैं। देखो बेटा एक तो हम पढ़ने वाले इसमें प्याज होती है ना, प्याज का जो रस होता है, प्याज का रस जो हमारी अनियन होती है ना, अनियन या ऑनियन जो बोल सकते हो आप, वो पढ़ेंगे। और दूसरा जो पढ़ने वाले हैं इसमें, आपने आइसक्रीम खाई होगी और इसमें एक वनीला फ्लेवर होता है, वनीला एक तरह का ये पदार्थ है ना, तो इसकी अपनी स्मेल होती है। और तीसरा जो पढ़ेंगे बेटा वो होता है लौंग का तेल। तीन चीज पढ़ने वाले हैं इसमें हम, यानी कि तीन सूचक को पढ़ने वाले हैं। अब इनमें हर एक की अपनी अपनी गंध होती है, हर एक की अपनी अपनी क्या होती है बेटा, स्मेल होती है। ये प्याज का रस है, ये वनीला है, ये लौंग का तेल है। अब समझो हमें टेस्ट करना है कि अम्ल जो है कैसे मतलब गंध में परिवर्तन होगा या नहीं होगा अम्ल से, और क्षारक से क्या होगा। आपको बहुत सिंपल है इसमें याद करना कि अम्ल जो है प्याज के रस की जो गंध है उसमें मतलब कोई चेंज नहीं करता है, वो एक समान बनी रहती है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो प्याज की तीखी स्मेल होती है, तीखी गंध होती है, अम्ल डाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो गंध ऐसी के ऐसे ही रहेगी, एक समान रहेगी। लेकिन अब बात समझो कि क्षारक जैसे आप डालोगे तो जो प्याज की स्मेल है, गंध है, वो बेटा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बस यही आपको ध्यान रखना है ना मोदी जी। और वनीला के साथ भी बिल्कुल सेम होगा, वनीला की स्मेल एसिड के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यहाँ भी क्या हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। और लौंग का तेल, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब लौंग के तेल की जो गंध है वो ऐसी बनी रहेगी। और जैसे आप कोई क्षारक डालोगे तो क्षारक उस गंध को क्या कर देगा बेटा, समाप्त कर देगा। तो ये तो बहुत आसान है ना, कुछ भी नहीं था कि अम्ल जो है कोई परिवर्तन नहीं करता गंध में, लेकिन क्षारक जो है बेटा वो क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। एक सूचक हमारा और होता है, उसको सार्वभौमिक सूचक कहते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा बाद में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहां पर हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि जो पीएच होता है उसकी एक पीएच मान पढ़ेंगे हम, कि पीएच मान उसकी रेंज होती है, वहां पर आएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटा, ठीक है बेटा। ये भाग वन था, तो बेटा बिल्कुल आप फोकस के साथ प्लीज पढ़ते रहें, क्योंकि ये जो साल है, जो टाइम है, इसमें पता नहीं है कि कब आपके स्कूल खुलने वाले हैं। तो हमारा चैनल आपके लिए एक, हम लोग सभी लोग मतलब प्रयासरत हैं कि आपको घर बैठे फ्री में इस तरह के वीडियोस, इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मतलब जो बेल आइकॉन है हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकॉन आएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बेटा अपना ख्याल रखो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।